गाजियाबाद के थाना कवि नगर इलाके में रहने वाले एक सब इंस्पेक्टर ने आज अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना आज सुबह तकरीबन 8 बजे की है। सब इंस्पेक्टर को आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। जी सर, ये भाई ब्रो डेड आया था, ठीक है ना, इसको गोली यहाँ पे लगी हुई थी। अब जैसे बताया, पता नहीं लगा, पोस्टमार्टम के बाद पता लगा खुद मारी या किसी ने सुसाइड किया या क्या हुआ। ये लाया था भैया 8:35 सुबह साहब, 8:35 पर, ठीक है ना। लाने वाले में उसकी वाइफ तो आई नहीं थी, वाइफ बाद में आई थी। पहले दो लेकर आया था, इसका नाम था वरुण कुमार, लेकर आए थे पड़ोसी, लेकर आए थे। वो कह रहे थे कि जैसे वो बता रहे थे कि गोली शायद चलाना सीख रहा, वाइफ सिखा रही थी। बाद में वाइफ आई थी, वाइफ भी वो मतलब बेहोशी थी, उसको कुछ बता नहीं पा रही थी। यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां अक्का डिलारी में विकास कार्यों की समीक्षा करने एडीओ पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों से बात की और आश्वासन दिया कि विकास कार्यों में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के देश के प्रधानमंत्री भी जन संरक्षण और प्राकृति को बचाने के लिए मुहिम चला हुए हैं, उत्तर प्रदेश में वन मंत्री ने भी 22 लाख पौधे लगाने का अपना लक्ष्य दिया था। उसी कड़ी में विकासखंड मोंडा पांडे पूरी मेहनत और लगन के साथ वृक्षरोपण और जो ग्राम पंचायतों की शिकायतें, जैसे राशन डीलर से राशन न मिलना, जल संरक्षण के लिए बॉर्डर हाउस वेटिंग बनाना, उसी कड़ी में आज विकासखंड मोंडा पांडे ग्राम पंचायत अक्का डिलारी में एक समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपनी जो जो समस्याएं थी, विकासखंड सहायक एडीओ पंचायत नरेश कुमार सिंह, जो कि हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं, कि किस तरह से उन्होंने समीक्षा बैठक में क्या पाया, किस तरह राशन डीलर ने क्या करा। एडीओ साहब, ये बताएं किस तरह से विकासखंड काम कर रहा है आज। विकासखंड जो सरकार द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनके निर्देश में, उच्च अधिकारियों के निर्देश में विकासखंड पूरी तरह समर्पित है, उसके कर्मचारी पूरी तरह समर्पित, पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं। कितने पौधों का लक्ष्य मिला था विकासखंड मोंडा पांडे? विकासखंड मोंडा पांडे को जो है 24,000 पौधों का लक्ष्य दिया गया था, वो हमने 100% पूरा कर लिया गया है। अब आगे क्या विकासखंड की तरफ से आगे की योजनाएं हैं, जो धरातल पर नहीं है उनको लाने के लिए क्या विकासखंड में कार्य कर रहा है? सबसे पहले जो विकासखंड से और उच्च अधिकारियों को निर्देश मिले हैं, उसमें आज जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ विकासखंड मोंडा पांडे के अक्का डिलारी में खुली बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए थे विकासखंड मोंडा पांडे के एडीओ पंचायत नरेश सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है, किसी भी सूरत में किसी भी ग्राम पंचायत का विकास कार्य प्रभावित नहीं होने देंगे, और सीधे तौर पर कहना है कि कहीं भी कोई अगर गलतियां हुई हैं किसी कर्मचारी से, तो उन गलतियों को सुधार लिया जाएगा। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ CMN न्यूज़ नसीम खान, मुरादाबाद। सागर के होटल सागर सरोज में 4 आतंकियों के छिपे होने की अफवाह के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते होटल के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दल बल और डॉग स्क्वाड के साथ होटल में पुलिस के आला अधिकारी भी दाखिल हुए, जहां मामले की तस्दीक की गई है। कुशीनगर के नोरंगिया गांव में गांधी चबूतरा पर झंडा फहराने आए खड्डा विधायक के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि चुनाव के समय किए गए वादों को नहीं करने की बात ग्रामीणों की ओर से कही गई, जिसके बाद विधायक के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में तूतू मैमा हो गई, और ये तूतू मैमा इतनी बढ़ गई कि मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।